सो हेलो गाइस, टुडे वी हैव द मोस्ट अमेजिंग कार जो कि टाटा की तरफ से प्रेजेंट की गई है। जी हाँ गाइस, मैं इसका काफ़ी टाइम से वेट करता। यह है टाटा कर्व। गाइस, इस कर्व ने यहाँ पे मार्केट में तहलका मचा रखा है। प्लस गाइस, आज हम इसी के बारे में छोटी सी वीडियो में इसकी कंप्लीट डिटेल्स के बारे में जानने ट्राई करेंगे, जैसे इसका फ्रंट लुक, इसका बैक लुक, प्लस गाइस यहाँ पे इसका इंटीरियर कैसा होने वाला है, और गाइस की टॉप स्पीड क्या रहने वाली है, माइलेज क्या रहने वाला है, इसकी सेफ्टी क्या रहने वाली है, इसका ग्राउंड क्लियरेंस क्या रहने वाला है, टायर साइज क्या रहने वाला है, और यार सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्राइस क्या रहने वाला है। तो यार रुका नहीं जा रहा, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। गाइस, फ्रंट से हमें गाड़ी दिखने में काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लग रही है। यहाँ पे नेक्सॉन और हैरियर का मिक्सचर लग रही है। और गाइस मैं बात करूँ इसके फ्रंट में हमें देखने को मिलती है यहाँ पे कनेक्टिंग रियर रेल, जो कि काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लग रहे हैं यार। प्लस गाइस काफ़ी ज़्यादा पियानो फिनिशिंग दे रखे हैं, और यहाँ पे ग्लोसी में यहाँ पे हम देख सकते हैं इसकी फिनिशिंग दी गई है। और गाइस ये वेलकम फीचर के साथ आते हैं, मतलब LED लाइट्स मुझे लगी। इसकी जो यहाँ पे ग्रिल दे रखी है वो पियानो मेटलिक यहाँ पे ग्रिल दे रखी है, जो कि दिखने में काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लग रही है। प्लस यहाँ पे बीच में इसकी गैप दे रखे है ताकि यहाँ पे एयर फ्लो अच्छे से हो सके। गाइस यहाँ पे हमें देखने को मिलता है 360 कैमरे का ऑप्शन, जो कि गाइस ये अच्छी बात है। यहाँ पे सेंटर में से कैमरा दिया हुआ है, जिसके थ्रू ये फ्रंट के यहाँ पे एरिया को कवर करता है। यहाँ पे हमें सिंपल वाइपर देखने को मिलते हैं, प्लस इन्हीं के ऊपर देखने को मिलता है हमें एडास कैमरा, जो कि गाइस एक अच्छी बात है, एडास लेवल 2 ये रहने वाला है। और इसी में हम देख सकते हैं यहाँ पे चार पार्किंग सेंसर दे रखे हैं, जो कि गाइस एक अच्छी बात रहने वाली है। कर्व यहाँ पे लिखा हुआ है, प्लस गाइस जो ग्रिल का शेड आ रहा है काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग आ रहा है। प्लस गाइस जो ये मेटेलिक पियानो फिनिशिंग में जो ग्रिल दे रखी है काफ़ी ज़्यादा इसके लुक को एनहेंस कर रही है, जो कि गाइस एक अच्छी बात है। प्लस गाइस इसकी जो हेडलाइट दे रखी है वो यहाँ पे प्रोजेक्टर हेडलाइट दे रखी है, जो कि काफ़ी अच्छा खासा थ्रू देखने को मिलेगा। और गाइस यहाँ पे इसके प्रोजेक्टर हेडलाइट के नीचे हमें देखने को मिलते हैं इसके दो यहाँ पे LED में फोग लैम्प देख रखे हैं। जी गाइस, ये जो फोग लैम्प है काफ़ी ज़्यादा इसके यहाँ पे पूरे लुक को एनहेंस कर रहे हैं, प्लस इसके थ्रू यहाँ पे इसका जो लाइट सेटअप है काफ़ी ज़्यादा जस्टिफाई हो रहा है। तो गाइस फ्रंट से देखने में गाड़ी कुछ इस टाइप की आपको दिखती है। मेरे को ये पर्सनली लग रहा है कि नेक्सॉन प्लस हैरियर का मिक्सचर खड़ा है, क्योंकि गाइस जिसके कर्व्स दे रखे हैं वो नेक्सॉन जैसे हैं, बट जो लुक आ रहा है ओवरऑल निकल के वो यहाँ पे हैरियर वाला रहने वाला है। आपको कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि यार आपका ओपिनियन भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्लस गाइस ये जो गाड़ी दिखने में है काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग निकल के आ रही है, सीधे सीधे टक्कर दे रही है यहाँ पे मार्केट में पहले से मौजूद यहाँ पे किया सेल्टोस और क्रेटा को। जी हाँ गाइस, उसी सेगमेंट में ये गाड़ी आती है, और ये गाड़ी के अंदर आपको मल्टीपल फीचर्स और देखने को मिलते हैं। तो यार चलते हैं इसके साइड लुक में और देखते हैं साइड से देखने में गाड़ी कैसी है। फिलहाल फ्रंट से दिखने में गाड़ी काफ़ी ज़्यादा एग्जॉटिक हमें लग रही है। अब चलते हैं इसके साइड लुक में और देखते हैं साइड में हमें क्या क्या देखने को मिले। जैसे गाइस हम लोग इसके साइड लुक में आते हैं, तो यार गाड़ी काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग रहने वाली है। लेकिन सबसे पहले मैं बात करूँ कि इसके हाईलाइट क्या पॉइंट हो रहा है। हाईलाइट हो रहे हैं इसके यहाँ पे 18 इंच के टायर। जी हाँ गाइस, इसके जो टायर दे रखे हैं वो 18 इंच के R18 इंच के टायर हैं। और गाइस यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यार काफ़ी ज़्यादा एग्जॉटिक लुक इसका आ रहा है, और कम्प्लीटली इस गाड़ी के यहाँ पे ओवरऑल लुक को, मतलब कम्प्लीटली लुक को ही जस्टिफाई यहाँ पे कर रहे हैं। अब गाइस मैं अगर बात करूँ इस गाड़ी के यहाँ पे ओवरऑल साइड लुक के बारे में, तो यार कुछ इस टाइप का आपको निकल के आता है, कूपे गाड़ी रहने वाली है। तो यार गाड़ी का जो ओवरऑल लुक है काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी और अमेजिंग मुझे यहाँ पे लग रहा है। गाइस अब मैं बात करूँगा, यहाँ पे हम देख सकते हैं इसके टायर के ऊपर ही हमें देखने को मिलता है पियानो फिनिशिंग, प्लस यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर के साथ फ्रंट में हमें देखने को मिलते हैं इसके यहाँ पे हैंडल, डोर हैंडल जो आते हैं यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर के साथ आ रहे हैं, और स्किन के अंदर ही हमें यहाँ देखने को मिलेंगे। प्लस गाइस इसका जो कूपे डिज़ाइन आ रहा है काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है। अब बात करूँ इसके बैक लुक के बारे में, यार बैक से दिखने में गाड़ी कैसी लगती है। गाइस जैसे ही हम लोग इसके बैक लुक में आते हैं, तो यार हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं कनेक्टिंग टेल लैम्प, सेंटर में टाटा का लोगो, प्लस गाइस यहाँ पे चार पार्किंग सेंसर देखने को मिलते हैं, पीछे 360 कैमरे का ऑप्शन भी देखने को मिलता है। प्लस गाइस यहाँ पे कूपे डिज़ाइन हमें देखने को मिलता है, और गाइस 500 लीटर का यहाँ पे इसका बूट स्पेस देखने को मिलता है, जो कि गाइस इस गाड़ी के लुक को काफ़ी जस्टिफाई कर रहा है, और काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग ये गाड़ी बन रही है यहाँ पे। अब गाइस चलते हैं गाड़ी के अंदर और जानेंगे यार इसका इंटीरियर कैसे रहने वाला है। और यार इंटीरियर के बारे में बात करूँ तो गाइस इंटीरियर काफ़ी ज़्यादा मुझे नॉर्मल लगा। जी हाँ गाइस, मैं इंटीरियर की इतनी तारीफ़ नहीं करना चाहता, क्योंकि इस टाइम मैं यहाँ पे इसके डीजल वेरियंट का यहाँ पे रिव्यू कर रहा हूँ। तो यार इसके अंदर मेरे को पर्सनली, मैं टाटा की बस तारीफ़ ही करे जाऊँ ये मैं नहीं कर सकता। बट गाइस यहाँ पे इंटीरियर डिसेंट सा है इसका,
बट यहाँ पे फीचर नेक्स्ट लेवल वाले हैं। यहाँ पे हमें देखने को मिलती है इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल सीट्स, प्लस गाइस यहाँ पे टिल्ट एल टेलीस्कोपिक यहाँ पे स्टीयरिंग देखने को मिलता है, प्लस गाइस यहाँ पे 12.5 इंच की यहाँ पे डिस्प्ले देखने को मिलती है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलता है, और गाइस यहाँ पे हमें काफ़ी कंफर्टेबल सीट्स देखने को मिलती है। अब गाइस मैं बात करूँगा, यहाँ पे हमें पैनोरमिक सनरूफ का भी ऑप्शन देखने को मिलता है, जो कि गाइस एक अच्छी बात होने वाली है। अब गाइस जैसे हम लोग पीछे जाते हैं हमें देखने को मिलता है इसका डोर हैंडल काफ़ी अमेजिंग, जो कि स्किन के अंदर ही है, और इंटीरियर काफ़ी ज़्यादा डिसेंट सा मुझे लग रहा है, इतना खास नहीं लग रहा क्योंकि कलर ही मुझे पसंद नहीं आ रहा। और इसकी यहाँ पे हम लोग एंटर करते सीट एडजस्ट करते हैं गाइस, एडजस्ट करने के लिए हमें पीछे से हुक यहाँ पे खींचना पड़ता है और सीट यहाँ से टिल्ट हो जाती है, जिससे कि यहाँ पे पीछे का इसका 500 लीटर का बूट देखने को मिलता है, और यहाँ पे फ्रंट से भी हम लोग इसे एडजस्ट कर सकते हैं आराम से। अब गाइस यहाँ पे नीचे की साइड में हमें हुक दे रखा है, जिससे कि हम नीचे की सीट को भी यहाँ पे टिल्ट कर सकते हैं और यहाँ पे स्पेस अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर पाएंगे। अब गाइस जैसे मैं अंदर बैठता हूँ मेरी हाइट 5-8 के आसपास है, स्पेस यहाँ पे ठीक ठाक दे रखा है, मतलब बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं दे रखा, यहाँ पे 3 से 4 इंच का यहाँ पे स्पेस देखने को मिलता है मेरे। पैनोरमिक सनरूफ बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, डिसेंट सी है, ये नहीं हम बहुत बड़ी कह सकते थे, ओके पैनोरमिक सनरूफ है। और गाइस यहाँ पे जो इंटीरियर लैम्प दे रखे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे, और स्मूथ में यहाँ पे हमें हैंडल देखने को मिलता है, और गाइस यहाँ पे 2 kg के हुक्स यहाँ पे चारों तरफ हमें देखने को मिलेंगे, जो कि गाइस एक अच्छी बात है। यहाँ पे हमें देखने को मिलता है AC वेंट, नीचे यहाँ पे 12 वोल्ट की चार्जिंग देखने को मिलती है, और गाइस यहाँ पे जो बंच आ रहा है यहाँ पे बीच में, ये थोड़ा प्रॉब्लम कर सकता है क्योंकि बीच में जो बंदा बैठा है उसको काफ़ी बड़ा बंच देखने को मिलेगा, ये थोड़ा मेरे को ठीक नहीं लगा। बाकी आपको कैसे लगा ये ज़रूर आप बताइएगा। अब गाइस चलते हैं बाहर और आपको और भी चीज़ों के बारे में बताना है। अभी गाइस अगर मैं बात करूँ इस गाड़ी के यहाँ पे और भी फीचर्स के बारे में, जैसे कि इस गाड़ी की टॉप स्पीड क्या रहने वाली है, टॉप स्पीड की बात करूँ तो गाइस 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के आसपास ये भागेगी। और गाइस अगर मैं बात करूँ इस गाड़ी के यहाँ पे माइलेज के बारे में, तो यार कंपनी बोल रही है कि यहाँ पे इसका जो माइलेज निकल के आएगा लगभग 20 के आसपास आएगा पेट्रोल में, डीजल में आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है इसका जो माइलेज यहाँ पे 17 के आसपास का। अगर मैं बात करूँ कि इसका यहाँ पे ग्राउंड क्लियरेंस क्या निकल के आने वाला है, तो गाइस पेट्रोल और डीजल में ही रहने वाला है 208 mm का। गाइस अगर मैं इसके प्राइस के बारे में बताऊं, तो कहा जा रहा है कि डीजल में जो ये लॉन्च होने वाली है 13 से लेकर 14 लाख के आसपास के इसके प्राइस होंगे, और यहाँ पेट्रोल में इसकी जो प्राइस रहने वाले हैं वो 12.5 लाख से स्टार्ट हो जाएंगे। तो गाइस देखना ये है कि गाड़ी का क्या प्राइस रहने वाला है, और यहाँ पे ये भी देखना है कि हमें इसकी सेफ्टी क्या रहने वाली है, क्योंकि ग्लोबल एनकैप में इसकी अभी टेस्टिंग नहीं हुई, लेकिन टाटा का ये कहना है कि यार सेम यहाँ पे स्टैंडर्ड पे बनाई गई है गाड़ी, क्योंकि दोनों 5-स्टार रेटिंग गाड़ी है, तो इस गाड़ी को भी यहाँ पे 5-स्टार रेटिंग मिल ही जाएंगे। तो गाइज ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग रहने वाली है। सो आई होप गाइज ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।